छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के अनुसार यहां अबूझ माड़ के जंगलों में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हैं। अभी मुठभेड़ जारी है। अबूझ माड़ के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सीमावर्ती जिलों के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। जवानों का संयुक्त ऑपरेशन अबूझ माड़ के कुतुल फरसबेड़ा कोड़ता मेटा क्षेत्र में जारी है। जानकारी के मुताबिक नारायण जिले के माड़ में पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। संयुक्त ऑपरेशन में नारायणपुर कोंडा गांव कांकेर दांतेवाड़ा DRG STF और ITBP 93 बटालियन बल शामिल है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान बलिदान हो गए और 2 के घायल होने की खबर है। बस्तर संभाग के जगदलपुर कांकेर दांतेवाड़ा कोंडा गांव में DIG और STF के 1400 जवान सर्चिंग पर निकले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 161 दिन के अंदर 141 नक्सली ढेर हो चुके हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। पिछले 3 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। इस घटना पर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नारायणपुर जिले के ओरछा थाने के अंतर्गत फरसबेड़ा धुरबेड़ा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों संग हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों की मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में STF के एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने की भी दुखद खबर आ रही है। घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नक्सलियों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई से नक्सली विचलित हैं। उनके खात्मे के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 30-30 किलो विस्फोटक वाले सीरीज IED और एक कुकर बम बरामद किया। जिला बल और 241 BN CRPF के बम निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है।